हेलो एवरीवन, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में एडिटिंग और एनिमेशन नहीं है। तो अगर आप एक सच्चे CUET एस्पिरेंट्स हैं तो आपको इस वीडियो में एनिमेशन और एडिटिंग से आपको मतलब नहीं होगा। आपको मेरे सिर्फ CUET के एक्सपीरियंस से मतलब होगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा था, मेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्ज़ाम में। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा विदाउट एनी एनिमेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा एग्ज़ाम कल था CUET का, ऑफ मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये दो एग्ज़ाम थे मेरे कल 16 जुलाई को। तो ये दो एग्ज़ाम का मेरा जो स्लॉट था वो था 3 to 4:30 PM। तो मेरा 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था, लेकिन जो पूरा फेज था वो 3 to 6:45 PM था। मतलब इतना लंबा स्लॉट था पूरा, कईयों के एग्ज़ाम होने थे, लेकिन मेरा जो फेज था वो था 3 to 4:30 PM। तो मुझे रिपोर्टिंग टाइम था 1:20 PM। मुझे मतलब 1:20 से गेट ओपन हो जाएगा और 2:30 तक ओपन रहेगा, उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होगी। तो मुझे इस फेज के अंदर ही पहुंचना था। तो मैं रेडी था, काफ़ी एक्साइटेड था, मैं रेडी वेडी हो गया था सब कुछ अराउंड 12:30 बजे तक, और मैं लीव कर गया था अपना रूम। उसके बाद मैं करीब 1:30 बजे से पहले वहाँ पहुँच चुका था, 1:15 पे शायद मैं पहुँच गया था। वहाँ पे देखा मैंने, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसमें मेरा एग्ज़ाम होना था। मैं पहुँच गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी एक्साइटेड था। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे वो एग्ज़ाम देने वाले थे, थोड़ा फीलिंग भी आ रही थी, गट फीलिंग भी आ रही थी, लेकिन काफ़ी गूसबम्स थे कि पता नहीं अच्छा चला गया कैसा लगेगा। तो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा था इसलिए। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था, मैंने एंट्री पर पहुँचा, वहाँ पर मेरे लिए वो सब चेकिंग हुई कि आपके पास आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ और फ़ोटो और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मैंडेटरी हैं। आप बेल्ट नहीं अंदर ले जा सकते, कोई फ़ोन वोन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ले जा सकते, बैग में आपके कुछ नहीं होना चाहिए, बैग आप कहीं जमा करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल, एक ट्रांसपेरेंट बॉल, ब्लैक पेन, ये चीज़ें कंपलसरी हैं, आपको काम ही पड़ेगा, वो ले जाएंगे। तो ये था, कोई मेटल का भी कुछ नहीं होना चाहिए, सिक्का विक्का कुछ नहीं आप रख सकते। तो ये कुछ मैंडेटरी कंडीशंस थी जो आपको फुलफ़िल करनी होगी एट एनी कॉस्ट। तो आप मेरा तो वो सब मैंने अपने पेरेंट्स को दे दिया था, तो मेरे साथ कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं, वो सब सिक्योरिटी रखते हैं, आपको टोकन देंगे प्रॉपरली, आपको कोई इशू नहीं होगा। आप बाद में वो टोकन देंगे तो आपको वापस मिल जाएगा जो आपका, जो भी आपकी आइटम्स थे, जो भी वगैरह वगैरह। तो ये था, स्टार्टिंग गेट से हुई थी, वहाँ ये सब चेकअप हुआ, चेकिंग हुई, उसके बाद मैं अंदर गया, उन्होंने गाइड किया ऐसे ऐसे आप राइट लेफ्ट में जाकर अप डाउन ले लेना। मैं थोड़ा आगे पहुँचा, वहाँ ग्राउंड पे सब कुछ चेक हो रहा था कि आपके पास मेटल डिटेक्टर से, कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा तो नहीं, कोई चीज़ आप रखे हुए हो अलग से, तो वो सब चेक हो रहा था। और वहाँ पे एक सर खड़े हुए थे, वो हमारा मतलब एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे और आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ वो सब वगैरह मैच कर रहे थे कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं। तो ये सब मैच होने के बाद अराउंड 4 to 5 मिनट्स वहाँ पर लग गया। उसके बाद उन्होंने मैं गाइड किया कि आप प्रेमिसेस में जा सकते हो अंदर, तो सभी लोग वहीं जा रहे थे, हम भी वहीं पर चल दिए। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे एक सर मिले, उन्होंने गाइड किया कि आप सेकंड फ्लोर पे जाएं, वहाँ पे हम लोग पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे कुछ सर बैठे हुए थे, 4-5 सर थे, सभी कंप्यूटर PC पर बैठे हुए थे, और एक एक करके जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे थे उनका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन ले रहे थे और मतलब फिंगरप्रिंट ले रहे थे और चेक कर रहे थे कि हाँ कि जिसका ये एडमिट कार्ड है जो देने आया कि वही है ना, कि मतलब और कोई तो नहीं आ गया। उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड से चेक किया सब कुछ, और उसके बाद एक उन्होंने एक लाइव फ़ोटो खींची, मतलब एक लाइव फ़ोटो भी खींची जाती है, कंपलसरी है। उसके बाद एक रेंडमली एक कंप्यूटर अलाउट हो गया और उसका जो विधा नंबर वो हमारे एडमिट कार्ड पे लिख दिया, और उन्होंने गाइड कर दिया कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, इस साइड है आपकी वो कंप्यूटर की लैब। तो हम वहाँ पहुँचे, हमने अपना वो नंबर दिखाया, तो हमें टीचर ने गाइड करके वहाँ तक पहुँचा दिया। हम वहाँ पर पहुँच गए थे अराउंड 2:00 पे, मतलब वन आवर पहले ही पहुंच गया था। मैं पहुंच तो गया था काफ़ी पहले, लेकिन वो सब क्राइटेरिया फुलफ़िल करने में थोड़ा टाइम लग गया। मैं 2:00 पे मैं अपने कंप्यूटर PC पर बैठा हुआ था, उस पर मेरी फ़ोटो थी, सब कुछ था और एप्लीकेशन नंबर दिख रहा था। मैंने अपना मैच वैच कर लिया कि हाँ ये मेरा ही PC है कि नहीं। उसके बाद टीचर्स हमें कुछ गाइड्स करते रहे कि जैसे आप अभी आप साइन इन मत करना, जैसा है वैसा ही बने रहने देना, PC सब कुछ मैच कर लेना, आपकी ही फ़ोटो दिख रही है कि नहीं। वो सब करने के बाद अराउंड उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटी फुलफ़िल करने के लिए दी, जैसे कि आपको अपने साइन करने हैं, आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं, ईमेल है तो वो लिख सकते हो, आपको पेरेंट्स के नेम नाम लिखना है उस पर। ये सब करने के बाद और
अगर आपकी कोई चीज़ मिसमैच कर रही है तो वो आप उनको तुरंत बताएं उसी टाइम। अगर कोई भी आपको पीसी में एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तुरंत आप रेज करें इशू, तुरंत अपनी सीट पे स्टैंड हो जाए, नहीं तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बाद अगर ऐसा कोई इशू था तो ये आप रिजॉल्व करा सकते थे। तो अराउंड 3 o'clock हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। उन्होंने हमें बताया ऐसे ऐसे गाइड करते रहे, ऐसे ऐसे आप करके आगे बढ़ते रहोगे। तो हम आखिरी में जाके पहुंच गए थे उस साइट पर, मतलब ओपन हो गया था विंडोज़ और हम स्टार टेस्ट करने वाले थे। तो उस पर मेरे 2 exam थे, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का, मैं बता चुका हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स को चूज़ किया, उसके बाद मैंने 2 सेक्शन थे, मैंने कोर को चूज़ कर लिया और मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। 50 मिनट्स का था एग्ज़ाम और 50 क्वेश्चन थे, इन टोटल आपको 40 क्वेश्चन ही करने थे। तो मैंने अराउंड पूरा टाइम लेके अराउंड 30 to 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। काफ़ी ज़्यादा सही थे, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाया, बहुत सारे था, टाइम लिमिट लेस था, लेकिन एग्ज़ाम ईजी था। तो मेरा पहला एग्ज़ाम हो चुका था, उसके बाद होने के बाद अपने आप सबमिट हो जाए, ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम ओपन हो गया। कंप्यूटर साइंस का था, मैंने सेक्शन चूज़ किया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का पूरा पेपर दिया। काफ़ी 1-2 बच्चों को एरर हो गया था, उनका सिस्टम डिनाई कर रहा था, तो वो रेज को उन्होंने इशू रेज किया तो टीचर्स ने रिजॉल्व कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तुरंत आप अपनी सीट पे स्टैंड हो जाना, नहीं तो आपका टाइम वहाँ पे जो एग्ज़ाम का है वो कम होता रहेगा और आपको ही इशू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपका कम चला जाता रहेगा। तो आप तुरंत रेज करें इशू अगर आपको कुछ भी हो। तो यही था, मेरा एग्ज़ाम पूरा कम्प्लीट हो गया था कंप्यूटर का, जिस टाइम जितना टाइम अलॉट होता है। उसके बाद मेरे ही साथ 4-5 स्टूडेंट्स का और एग्ज़ाम हो गया था मेरे साथ ही कंप्लीट, तो वो सारे खड़े हो गए और अपनी जो हमें जो स्क्रैप शीट मिली थी वो हमने सबमिट कर दी उनको। और उसके बाद उन्होंने, अगर आपके पास एडमिट कार्ड वो सब चीज़ें डिपॉजिट कर ली जाती हैं और वो उन्होंने वहीं पे वो फाड़ कर फेंक देते हैं, आप नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड है वो आप अपने साथ रख सकते हैं, ऑब्वियसली वो नहीं फाड़ा जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत करें। तो वहाँ पे मैं पहुँचा, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद मैंने हॉल लीव कर दिया, उसके बाद मैं बाहर आ गया गेट पर और पेरेंट्स से मिला, अपना एक्सपीरियंस बताया और हम लोग वापस आ गए। ये था एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत कह सकते हो अच्छी फीलिंग आई कि हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठा हूँ। और कैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं ये भी बहुत अच्छा था। तो ये था ऑल इन ऑल, यही था कि आपको एटलीस्ट ट्राई देना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट दे, और इसकी चिंता मत करें कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, उसकी चिंता आप मत करें, वो तो अपने आप हो ही आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता फिर भी एटलीस्ट ट्राई, मिस मत करिए एग्ज़ाम। काफ़ी बच्चों ने मिस कर दिया था, ये पैड ये सही नहीं था, काफ़ी उन्होंने मिस कर दिया था, एटलीस्ट आप मिस मत करना एग्ज़ाम देकर आना। तो यही था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने CUET एस्पिरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना। थैंक यू।